तो सेल के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन देगा कि आप मुझे ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर, जब मैं बोलता हूँ कैपिटल आर तो वायर की रेजिस्टेंस, जब मैं बोलूँगा स्मॉल आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कैपिटल ई ईएमएफ और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है? अभी एग्जांपल दिया कि जब मैं एक सेल लेके आऊँगा तो फैक्ट्री वाला बोलेगा 9 वोल्ट की बैटरी है। मैं बोलूँगा देख मैं इसके घर जाके ना इस पे 100 ओम लगाऊंगा, वो कहेगा भाई मेरी ईएमएफ तो भी 9 वोल्ट ही रहेगी। तो फिर भी कहूँगा चल 100 छोड़, मैं 2000 ओम लगाऊंगा, वो कहेगा मेरी ईएमएफ तब भी 9 वोल्ट ही रहेगी। तुम कहोगे मैं 4000 ओम लगाऊंगा, वो कहेगा तब भी ईएमएफ 9 ही रहेगी। फैक्ट्री वाला कहता है 9 बनाया तो 9 ही रहेगी, तुम्हारे कैपिटल आर से इसका लेना देना नहीं है। तो ग्राफ क्या आएगा? कॉन्स्टेंट 9 9 9 9 9, खत्म होगी बात, इंडिपेंडेंट है ना। नेक्स्ट है वी वर्सेस कैपिटल आर ग्राफ। तब अगर मैं बैटरी ले आया और मैंने कैपिटल आर लगा दिया तो इसमें अब ई नहीं रहेगा, अब इसमें क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी का और कैपिटल आर जो मैं वायर लगा रहा हूँ उसका क्या लेना देना है। ई का कैपिटल आर के साथ लेना देना नहीं है, पर वी का कैपिटल आर के साथ लेना देना है। क्या लेना देना है? वी का कैपिटल आर के साथ ये लेना देना है। वी क्या होता है? आई इंटू कैपिटल आर। तो एक सर्किट में करंट होता क्या है? ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, है ना। ई एम एफ को आर प्लस आर से क्या कर दिया? डिवाइड, यही करंट है एक सर्किट में। इंटू कैपिटल आर, इस कैपिटल आर को इसके नीचे ले जाओ तो ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर आ गया। तो यानी कि वी का कैपिटल आर के साथ ये लेना देना है। अब थोड़ा ग्राफ बनाने का तरीका देख लो। ग्राफ बनाने के तरीके में ये देखो कि जब मैं कैपिटल आर को इंक्रीज करता हूं, क्योंकि मेरे को ग्राफ किसका बनाना है? कैपिटल आर वर्सेस वी का। जब मैं कैपिटल आर को इंक्रीज करता हूं, ये पूरा डिनोमिनेटर क्या होता है? डिक्रीज। अगर डिक्रीज होता है तो वी क्या होता है? इंक्रीज। तो मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग में बनेगा, ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं कैपिटल आर को जीरो करता हूं, जीरो करता हूं तो मेरा वी क्या आता है? जीरो। इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जब कैपिटल आर जीरो है तो वी भी जीरो है। ये आगे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग होगा, और आर कैपिटल आर जीरो पे वी भी जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कैपिटल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है, मान लो कैपिटल आर एक्सटर्नल और सेल की इंटरनल बराबर हो गई, अगर कैपिटल आर और ये बराबर हो गए तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? वन। तो वी क्या हो गया? ई अपॉन 1 प्लस 1। तो वी क्या हो गया? ई डिवाइडेड बाय 2, तो आधा हो गया। तो ये चेक करो, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है तो वी क्या हो गया? ई बाई टू। तो ग्राफ यानी कि पास करेगा ई बाई टू पे। नेक्स्ट है, जब कैपिटल आर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी समझते हो, आपने एक ऐसी वायर लगाई जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, इन्फिनिटी है, तो ये टर्म क्या हो गई? जीरो। तो वी किसके इक्वल हो गया? ई के। तो ग्राफ यानी कि इन्फिनिटी पे जाके किसको मैच करने वाला है? ई को, ई को जाके मैच, ई से बड़ा तो हो नहीं सकता ना वी। तो ग्राफ ऐसा वेरिएशन शो करेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आए तो ये मार्क कर देना। क्लियर है यहाँ तक? तो वी वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ ऐसा होगा, ई वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ ऐसा होगा। तो दो ग्राफ मार्क हो जाएंगे अगर एक एक नंबर में आ जाए। नेक्स्ट है वी और आई का ग्राफ, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल, ई और आई नहीं, वी, क्योंकि जब करंट बाहर निकलेगा तो वी डेवलप होगा। वी और करंट का क्या रिलेशन है? तो V और I का रिलेशन है क्या मैथमेटिकली? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाई थी, V और E का क्या रिलेशन है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसके अंदर Y एक्सिस में क्या चाहिए? V। तो Y एक्सिस में क्या चाहिए? V। X एक्सिस में क्या चाहिए? करंट। तो एक काम करो, इसको आगे इसको पीछे लिख लेना। तो X एक्सिस में क्या आ गया? करंट। ये देखो Y एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट किया? Y के साथ, V के साथ। X को किससे रिप्रेजेंट किया? I के साथ। तो स्लोप m किसके इक्वल आ गई? माइनस r। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, स्लोप की वैल्यू m क्या आएगी? माइनस r। तो ये ऑब्जेक्टिव मार्क करना, v और i का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? e और कैपिटल R का ग्राफ, v और कैपिटल R का ग्राफ, और v और i का ग्राफ, तीनों में से कोई भी आएगा तो एक नंबर में मार्क हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ऑब्जेक्टिव मार्क सोचोगे थोड़ी ना क्या बनेगा, पर पता होना चाहिए ऐसा बनता है। जैसे ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, उसने क्यों लिखा हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर? मैंने बताया था वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस नॉर्मली क्या रखी जाती है, हाई, इनफाइनाइट। उसने हाई लिख दिया, वैसे इनफाइनाइट होती है, बहुत बड़ी होती है। तो आई थिंक ये वर्ड समझ में आ रहा है, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर क्यों लिया गया। तो हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। वो कह रहे हैं कि मैं एक सेल लेके आया, ये रहा वो सेल, मैंने सेल को अभी यूज भी नहीं किया, देखो मैंने की को प्रेस भी नहीं किया अभी। तो अगर मैंने सेल को यूज नहीं किया और मैंने वोल्ट मीटर लगा लिया, तो वोल्ट मीटर ने मेरे को बताया कि सेल को अगर मैंने यूज नहीं किया तो सेल में से अभी मैंने करंट बाहर नहीं निकाला, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या थी 2.2 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या थी 2.2 वोल्ट, तो ये क्या थी ई की वी, ये ई बता रहा है वोल्ट मीटर की वी बता रहा है, ई बता रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि अभी सेल में से करंट बाहर नहीं आया, तो इसका मतलब 2.2 क्या गिवन है सेल की ईएमएफ। तो सेल की ईएमएफ क्या है ई, 2.2 है। अब वो कह रहे हैं जब टर्मिनल्स ऑफ सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो जब मैंने सेल को 5 के साथ कनेक्ट किया और मैंने इसको क्लोज कर दिया सर्किट को कुछ ऐसे, ये लो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, एक बात बताओ वोल्ट मीटर यहां कनेक्टेड है, क्या इसमें करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो ऊपर और नीचे दोनों में जाएगा या नहीं जाएगा। कितने लोग बोलते हैं जाएगा ऊपर भी, यहां से जो करंट आएगा वो कुछ ऊपर कुछ नीचे जाएगा, हाँ या ना, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आंसर, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत 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 हाई है, तभी तो हाई रखी जाती है, क्योंकि वोल्ट मीटर उधारी करने नहीं चाहता। वोल्ट मीटर कहता है देख मैं तेरा वी तो मेजर कर दूंगा, मेरे को करंट नहीं चाहिए, तू अपना करंट आर को दे दे, अगर मैंने तेरा करंट ले लिया ना तो मैं एक नया पंगा खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरी रेजिस्टेंस तुम मांगोगे तो फिर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, मेरे को तुम लगाओ ना लगाओ मन में लगा लेना भाई, मत दिखाओ फोटो में मैं हूं ही नहीं, तुम खुद आगे बैठ जाओ इसके ऊपर और अपना आंसर खुद दे दो। एक्चुअल में ये वोल्ट मीटर नहीं है, एक्चुअल में तो स्टूडेंट है, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम है वोल्ट मीटर, कि भाई क्या रीडिंग आएगी जब करंट बाहर नहीं निकला, तुमने आंसर देना है 2.2। जब करंट बाहर निकला कहाँ निकला, कैपिटल आर में निकल गया, ऊपर तो जाएगा ही नहीं, तो उस टाइम रीडिंग को क्या बोलते हैं वी। तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा 1.8 का मतलब क्या गिवन है वी। वैसे तो स्टूडेंट इतने समझदार हो जाते हैं 10th न्यूमेरिकल के बाद, वो कहते हैं बड़ी रीडिंग ई है छोटी रीडिंग वी है, मतलब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और वो सही है, बड़ी रीडिंग ई है छोटी रीडिंग ई वी है, वो तो पता ही है ई से ऊपर कहाँ से निकलोगे, ये भी सही है ना, कोई डाउट इसमें। तो बड़ी रीडिंग ई है छोटी वी है, और एक्सटर्नल आपको गिवन है, आपको क्या निकालनी है इंटरनल, फॉर्मूला करवाया था अभी, ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर, तो पुट कर लो, ई पता है वी पता है कैपिटल आर पता है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसमें, इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी में ना इन टाइप के क्वेश्चन में कोई बड़ा कुछ नहीं है, लाइनें लाइनें ज़्यादा हैं, अंदर कुछ निकलेगा ना इसमें से, एक एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल आर, एक इंटरनल आर और एक ई निकलेगा बस। और मैंने आपको हिंट दे ही दिया बड़े छोटे का, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में वी बड़ा होता है ई छोटा होता है, हाँ आपको ये क्या बात बनी, ऐसा भी होता है, मैं बैटरी से मैं फैक्ट्री से सेल लेके आया 9 वोल्ट और बाहर जब देखा तो 10 वोल्ट, ये तो नहीं हो सकता, देखो ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बट एक केस ऐसा आता है जिसमें ऐसा हो सकता है, और वो केस, वो जो केस है वो ये केस है, ये सेल ना चार्ज हो रहे हैं, एक्चुअल में ये 9 वोल्ट का सेल है, हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग की, करंट निकाल दो करंट निकाल दो करंट निकाल दो, तो वी हमेशा कम ही मिलेगा। जब तुम चार्जिंग ऑफ अ सेल करते हो ना, तो उसमें ये 9 वोल्ट का है, इसके इससे करंट लिया नहीं जाता, इसमें करंट दिया जाता है, तो आई इंटू आर माइनस नहीं होता ईएमएफ में, उल्टा प्लस हो जाता है, वो क्यों होता है लंबी कहानी है, किरचॉफ लॉ के थ्रू समझेंगे, बस चार्जिंग ऑफ अ सेल में उल्टा होता है, क्योंकि इसमें बाहर से वी मिल जाता है इसे, अदरवाइज नॉर्मल 99% क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन में वी छोटा ही होता है, अनलेस वो ये ना कहे कि मैंने सेल की चार्जिंग कर दी। तो हम सारे केस किस में लेते हैं, डिस्चार्जिंग, सेल खत्म हो रहा है, करंट बाहर निकलता जा रहा है और वो चार्ज नहीं हो रहा, तो आने वाले टाइम में करेंगे चार्जिंग को कैसे करना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जब तुम ऐसी फ़ोटो में देखो ना तो वोल्ट मीटर से घबराऊ नहीं। मतलब अगर मेरा बस चलता ना, मैं हर डायग्राम किताब के हर डायग्राम पे ना यहाँ फ्लूड लगा के तुमको हटा ही देता, मुझे चाहिए ही नहीं है ये। एक्चुअल में सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वी लग के, डराता है कि यार एक और सर्किट है, चाहिए ही नहीं है ये बेचारे का कोई काम नहीं है। ये सिर्फ वोल्ट मीटर की रीडिंग देता है, इसका अभी प्रैक्टिकली कोई पर्पज़ है नहीं। तो ये बैटरी है, करंट नीचे से ही जाएगा। अब यहाँ एमीटर लगा दिया तो पूछ सकता है एमीटर की रीडिंग क्या है, वो एमीटर की रीडिंग ही पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है 4 ओम में से कितना करंट पास करेगा ये बता। ये बोलने की बजाय कि 4 ओम में से कितना करंट पास करेगा, वो एमीटर की रीडिंग बताए की बात है। तो ये फोटोएं इसलिए लगी हुई हैं। क्वेश्चन है बैटरी जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है, ई पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पता है, स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी पता है, क्या निकालना है? शो दैट वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस अ सेल एंड अक्रॉस अ रेजिस्टर विल गिव सेम वैल्यू। कह रहे इसमें से करंट निकल रहा है, स्विच तो है ही नहीं, तो अज्यूमिंग करंट इसमें से निकल रहा है, करंट पास हो रहा है कैपिटल आर में से। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तुमने वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगाया और जब तुमने इसके अक्रॉस लगाया, प्रूव करो कि आंसर सेम आया। तो एक काम करते हैं, करंट बोलो इस सर्किट में क्या होगा। करंट का फॉर्मूला ईएमएफ 12 अपॉन सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल 4 है इंटरनल 2 है, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर वी की वैल्यू बोलो क्या होगी, 2 × 4 = 8 वोल्ट, 2 × 4 = 8। बैटरी के टर्मिनल्स क्या होंगे, E-I × r, तो E-I × r, ई की वैल्यू कितनी है इसमें 12, करंट कितना है 2, स्मॉल आर कितना है 2, चेक करो आंसर सेम आ रहा है। और ये चीज़ तो मैं आपको फर्स्ट टॉपिक में समझा चुका हूँ कि चाहे तुम यहाँ से निकाल लो E-IR, चाहे तुम यहाँ से निकाल लो I × R, आंसर विल बी सेम। पुट आउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये नहीं करना किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये करना है, ये बाद में करेंगे। मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल
व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट करंट इन अ सेल। मुझे एक बात बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल का ई है कि वी है? ई है कि वी है? कितने वो लोग बोलते हैं ई है, कितने बोलते हैं वी है? तुम्हें वी कैसे पता लगा एक्सेप्ट इसके कि ये ग्राफ वीक है? वी है, ई दिया नहीं है। बोलो कैसे, क्या मेंशन किया? उसने मेंशन किया कि करंट बैटरी में से बाहर निकल रहा है। लिखा ना उसने कि करंट है, करंट है तो ई कैसे होगा? फिर तो वी होगा। तो जब करंट दौड़ेगा बाहर निकलेगा बैटरी में से, तो वी और किसका ग्राफ है? आई का ग्राफ है। तो वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द ग्राफ ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो। अब ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? ईएमएफ होती है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैसे तो मैं आपको एक सेकंड में बता सकता हूं कि वी की मैक्सिमम वैल्यू ही ईएमएफ है। तो यहां मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है टच करके? 1.4। आंसर 1.4 है, दिख रहा है ग्राफ में। वी इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो वी की मैक्स वैल्यू कितनी है? ये रहा। अच्छा एक और लॉजिक देता हूं, ईएमएफ वर्ड तब आता है जब करंट सर्किट में क्या होता है? जीरो। देखो करंट क्या है? जीरो। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आंसर क्या आएगा? 1.4। तो सही है ना इसका मतलब, क्योंकि इस वैल्यू पे करंट क्या आ रहा है? जीरो। उसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। देखो करंट मैक्स कब होगा? करंट मैक्सिमम तब होता है जब सेल का केस है जो वी की वैल्यू है वो क्या होती है? ई माइनस आई आर। ठीक है, अगर तुम वी को जीरो कर दो, टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दो, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई इन टू आर। तो साफ पता लग रहा है तुम ई से ऊपर तो वैल्यू ला नहीं सकते बैटरी की, ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है तो करंट इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऑटोमेटिकली क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा? ई बाय आर। अब कोई स्टूडेंट कहता है यार ये मुझे कैसे पता लगेगा कि वी जीरो होगा, ये क्या बात बनी, समझ में नहीं आई बात। चलो मैं एक और आसान तरीके से बताता हूँ। आसान तरीका ये है कि तुम बैटरी के अंदर चले जाओ, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाके बैठ जाओ। तो सोचो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाके बैटरी के टर्मिनल दिखेंगे आपको, उसमें ईएमएफ क्या होगा? ई। ई से ऊपर तो हो नहीं सकता ना, मैंने बताया आपको, वो तो ई होगा। ठीक है, और आप ऐसा क्यों नहीं करते उसमें ओम लॉ लगा दो, क्योंकि ई से ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? आई मैक्स इन टू आर। तो आई मैक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी मेरे को ये भी सपने में नहीं आता कि बैटरी के अंदर जाके बैठ जाओ, ओम लॉ, ई, ये क्या बात बनी, समझ में नहीं आई मुझको। चलो फिर एक ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम्हारे पास जो करंट का फॉर्मूला है वो है क्या? ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये तो मानते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। तुम एक काम करो, बैटरी को उठा के तो फेंक नहीं सकते क्योंकि ईएमएफ चाहिए तुम्हें। तुम एक काम करो, बाहर की वायर की रेजिस्टेंस जीरो कर दो। तुम बोलो कि बाहर की वायर की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, तो कैपिटल आर को जीरो कर दो, आपका डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया, तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। तो ई इज इक्वल टू आई मैक्स इन टू, लोगों को ये ज्यादा पसंद आता है, वो तो ये ज्यादा ठीक है। चलो ये मैं कर लूंगा कि अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना लूं तो जब कैपिटल आर जीरो लूंगा मैं, तो वी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वी क्या होता है? आई इंटू कैपिटल आर, तो ऑटोमेटिकली जीरो। तो ईएमएफ ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। तो आप फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर लेते कि किसी भी बैटरी का मैक्सिमम करंट अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या? वी इज इक्वल टू आई मैक्स इन टू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? ई अपॉन आई मैक्स। या चलो मैक्सिमम करंट निकाल लें, तो मैक्सिमम करंट निकल सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट दूसरे बैच में बैठा था, कहता यार मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप इतना बता क्यों रहे हो। मैंने कहा क्यों? वो कहता देखो जी करंट की आखिरी वैल्यू चेक करो कितनी है, 0.28। हाँ हाँ, मैंने कहा सही है, आंसर 0.28 है, सही है आंसर 0.28 है। तो आप इतना बता क्यों रहे हो? मैंने कहा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को तेरे से किसी और न्यूमेरिकल में ये पूछ लिया बिना ग्राफ के, तो तेरे को पता होना चाहिए कि ई मैक्स, ई की वैल्यू आई मैक्स इंटू स्मॉल आर से आई मैक्स निकल सकता है। वैसे चाहिए नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है 0.28 आंसर है, कुछ करना थोड़ी ना इसमें, सही है। और आखिरी पार्ट है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये फॉर्मूला याद आएगा,
क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से ईएमएफ निकल चुकी है, आईएमएक्स निकल चुका है, अब स्मॉल आर की वैल्यू उनको डिवाइड करके आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे लॉजिक लगेगा ये? कोई डाउट इसमें?